डियर स्टूडेंट्स, दिस इज निशांत स्तोगी एंड यू आर वॉचिंग एनालाइज केमिस्ट्री। इस चैनल का पर्पज ये है कि केमिस्ट्री की मैक्सिमम प्रॉब्लम को मिनिमम टाइम में सॉल्व कराया जाए और केमिस्ट्री की मैक्सिमम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाए। अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो आईडी मेंस 2020 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि 4 जनवरी को शिफ्ट 2 में यानी इवनिंग में हुआ था, और इसका केमिस्ट्री पोर्शन हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन थ्रियोनिन। थ्रियोनिन में आपको ये बताना है कि कितने कायरल सेंटर हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको इस तरह के स्ट्रक्चर जो है वो पता होना जरूरी है। उसके लिए एनसीईआरटी जो है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी से ही आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं। चलिए, इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। कायरल कार्बन की कंडीशन आपको एक बार पता है, वो फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ। कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जिसमें कि चारों के चारों वैलेंसी जो है वो अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई होती हैं, हम उसको नाम दे देते हैं क्या है, कायरल। यहाँ पर अगर आप सोचो तो इसमें NH2 लगा हुआ है, इधर COOH लगा है, इधर H लगा हुआ है, इधर ये वाला ग्रुप लगा है, तो ये कार्बन कैसा है, कायरल है। इसी तरह से इस वाले को देखें तो इधर ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, इधर हाइड्रोजन लगा है, इधर OH लगा है और इधर CH3 लगा है, तो ये वाला कार्बन भी कैसा है, कायरल है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखोगे तो 2 कायरल कार्बन आपको मिल जाएंगे। आंसर इसका जो होगा वो 02.00 होगा, ठीक है ना, इंटीजर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म। आपको ये बताना है कि मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म जो होगी वो किस कंपाउंड में मिलेगी। यहाँ पर सिंपल दिया हुआ है कि PPH3 जो है वो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, OH2- oxygen H2 है, Gl- जो है वो ग्लाइसिन H2 है। पहला कॉम्प्लेक्स जो दिया गया है वो दिया है COOH2- NH3- 1। दूसरा दिया है FeEnBiPY का मतलब En का मतलब इथाइलिन डायमाइन, BiPY का मतलब जो है DiPY है वो या बाई फिनाइल, ठीक है ना। तो ये जो है इसके बाद में ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है, NH3- मोनोडेंटेड लिगेंड है +2। नेक्स्ट जो है वो पैलेडियम है, ग्लाइसिन है, जो PPH3- है, यानी कि ये बाइडेंटेड लिगेंड है और ये 2 मोनोडेंटेड लिगेंड है, यानी यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 4 है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बाइडेंटेड लिगेंड कितने, 2 हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गई, और 2 मोनोडेंटेड लिगेंड है तो 2 6 हो गई, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यहाँ पर आप देखोगे तो इथाइलिन डायमाइन बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, बाइपायरेटिन जो है वो बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहाँ पर ये 2 मोनोडेंटेड लिगेंड है, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, टोटल 6 हो गई। बट यहाँ पर अगर आप देखो तो ग्लाइसिन H2 से 2 मिल रही है और PPH3 से आपको 2 मिल रही है, यहाँ पर जो है वो टोटल 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी कि ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ये जो है वो TiH2 होल 6 है, यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। आपको क्या करना, पैरामैग्नेटिज्म देखनी है और वो भी मैक्सिमम। तो देखो भाई, मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी पैरामैग्नेटिज्म जो होगी वो बढ़ेगी। तो चलिए हम सब में क्या करते हैं, देखते हैं कि किसमें किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और किसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। चलिए, पहला में वो COOH2- NH3- है, कैसा लिगेंड है ये, SFL मतलब कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जरा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, तो ऑक्सीलेट पे कितना चार्ज होता है, 2- और अमोनिया पे चार्ज कितना होता है, 0। ऑक्सीलेट के 2- की वजह से 2 ऑक्सीलेट है, 4- ये हो गया और -1 ये है, तो ये इधर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो कोबाल्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27, +2 पे कितना होता है, D7, तो +3 पे कितना होगा, D6। तो जब D6 हो गया तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप इलेक्ट्रॉन को भरिए ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स में, तो SFL के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं, यानी 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, ऐसा हो गया डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट जो है वो FeEn वाले में अगर हम देखें तो En पे चार्ज 0 होता है, बाइपायरेडिन पे चार्ज 0 होता है, अमोनिया पे चार्ज 0 होता है, इसका मतलब +2 चार्ज जो आ रहा है वो आयरन का, इससे आयरन का हो गया। अब आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26, तो +2 में कितना है, D6। अब ये भी SFL है, ये भी SFL, तो इसका मतलब यह क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयरअप हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, डायमैग्नेटिक हो गया। नेक्स्ट है पैलेडियम Gl+PPH3- ये पैलेडियम का 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पैलेडियम, प्लेटिनम, इन सबके 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो हमेशा स्क्वायर प्लेनर होते हैं ड्यू टू हाई स्प्लिटिंग ऑफ CFSC, ठीक है ना, हाई स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी कि CFSC की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्क्वायर प्लेनर होते हैं, ठीक है ना।
यहाँ पर इसका जेड इफेक्टिव भी बहुत ज़्यादा होता है और लिगेंड को बहुत तेजी से अट्रैक्ट करता है। तो अगर आप स्क्वायर प्लेनर में देखो, अगर आप पी डी प्लस टू के यहाँ पर देखो जी एल वाई पे क्या क्या चार्ज आएगा, माइनस वन और इधर प्लस वन है, ठीक है, ये माइनस वन इधर गया तो क्या हो गया, प्लस टू हो गया। पैलेडियम प्लस टू की बात करो तो ये फोर डी एट आएगा। अब आठ इलेक्ट्रॉन को आपको स्क्वायर प्लेनर में अरेंज करने हैं तो आठ के आठों इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे, और जब वो पेयर अप हो जाएंगे तो इसका मतलब ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। तो भाई लास्ट वाला बचा वही पैरामैग्नेटिक है, चलो देख लेते हैं। टाइटेनियम की अगर आप बात करो तो टाइटेनियम पर चार्ज क्या है, प्लस थ्री है, और प्लस थ्री चार्ज है तो यहाँ पर प्लस टू चार्ज, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 22, तो प्लस टू में कितना होता है D2। प्लस थ्री की बात करो तो क्या होगा, D1 अकेला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब आंसर हमारा 4 होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस नॉट एंडोथर्मिक, आपको एंडोथर्मिक बताना है, इस नॉट एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक बताना है, ठीक है ना। तो नॉट को हम पहले यहाँ पर जो है वो स्पेसिफाई कर लेते हैं क्योंकि ये नॉट वाला बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देता है, ठीक है। तो अब हमको समझ में आ गया कि जो प्रोसेस एंडोथर्मिक नहीं होगी यानी जो एक्सोथर्मिक होगी उसको बताना। पहली प्रोसेस को अगर आप सोचो तो पहली प्रोसेस कैसी है, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी है। पहली प्रोसेस को अगर आप देख रहे हो तो क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी, और इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी है तो वो क्या होती है, वो निगेटिव होती है, यानी कि पहली प्रोसेसिंग जो होगी वो कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। दूसरी प्रोसेस में आप देखो तो ये भी इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी ही है, बट आप कर क्या रहे हो, आप इनर्ट गैस में इलेक्ट्रॉन एंटर करा रहे हो, और जब आप इनर्ट गैस में इलेक्ट्रॉन को इंटर कराते हो तो स्टेबल कंफ्यूगेशन में अगर आप इलेक्ट्रॉन इंटर कराओगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए को इंटर कराने के लिए आपको अलग से एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब आप एनर्जी दोगे तो मतलब प्रोसेस एक्सो नहीं होके कैसी हो जाएगी, एंडो, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी। नेक्स्ट में आप क्या कर रहे हो, एनायन में इलेक्ट्रॉन इंटर करा रहे हो। अगर आप न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन इंटर कराते तो कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत ज़्यादा होता तो रिपल्सन मिलता या वो स्टेबल कन्फिग्रेशन होता तो उसमें और अलग से बात हो जाती। बट अगर आप एनायन में इंटर करा रहे हो तो एनायन में इलेक्ट्रॉन इंटर करा तो पहले से जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन है वो इसको बहुत तेजी रिपेल करेंगे, और जब बहुत तेजी रिपेल करेंगे तो इसलिए इसको इंटर कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन को इंटर कराने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी आपने दे दी मतलब क्या कर दिया, एंडोथर्मिक, तो मतलब ये भी प्रोसेस कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी की वैल्यू ऑलवेज एंडोथर्मिक होती है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी और उसके बाद फर्दर इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी आर ऑलवेज एंडोथर्मिक। क्यों, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंटरिंग इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देते, उसको रिपेल करते हैं और आपको एनर्जी दे के उसको इंटर कराना पड़ता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये प्रोसेस ही अलग होगी, ये होगी आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, यहाँ पर आप आइसोलेटेड गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हो, तो जब रिलीज करोगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, रिक्वायर्ड होगी तो क्या होगा, एंडोथर्मिक। तो हिसाब से एंडोथर्मिक का आंसर जो हमारा है वो कौन सा है, फर्स्ट है, तो फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट द सी एफ एस सी फॉर द कॉम्प्लेक्स सी ओ एस टू होल थ्राइस एफ थ्री, और यहाँ पर कह रहा है कि डेल ओ इज लेस देन पी। देखो इस बात भी समझ में आ रही है यहाँ पर क्या, कि जो दोनों लिगेंड हैं वो कैसे हैं, WFN है, मतलब कि वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी जो होती है वो उसकी ज़्यादा होती है इससे CFSC से। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो H2 पे जो चार्ज होता है वो 0 और फ्लोरीन पे जो चार्ज होता है वो -1, उसकी वजह से कोबाल्ट पे चार्ज क्या हो गया, +3 हो गया। कोबाल्ट में जब प्लस थ्री चार्ज हुआ तो ये D6 का, कोबाल्ट का कितना होता है 27, बट D अगर हम बात करें प्लस थ्री में तो क्या हो जाएगा, D7 हो जाएगा। कोबाल्ट का क्या होता है 27, तो प्लस टू में अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, D7, और प्लस थ्री में अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, D6 हो जाएगा। जब D6 हो जाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर दूसरा इधर जाएगा, तीसरा इधर जाएगा, चौथा यहाँ पर जाएगा, पांचवा यहाँ पर जाएगा, और छठे की पेयरिंग हो जाएगी। जैसे छठे की पेयरिंग हुई एक इलेक्ट्रॉन पेयरअप हुआ, मतलब कि पेयरिंग एनर्जी ऐड हो गई, ठीक है। अब CFSC ऑफ ऑक्टेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या है, CFSC का फॉर्मूला है -0.4 डेलो इंटू नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन +0.6 डेलो इंटू नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन +NP। एन वेयर एन क्या है, एन इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है इसमें, एक है। तो अब आप जरा सोचो कि T2G में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, तो T2 0.4 × 4 कर दिया, ठीक है। EG में इलेक्ट्रॉन कितने, 2 हैं, तो 0.6 × 2 कर दिया,
ठीक है, और प्लस 1p, n की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो 1p हो जाएगा। इसको सॉल्व करके लाएंगे तो 0.4 डेलो प्लस p हो जाएगा, यानी इस हिसाब से आंसर अगर हम देखें तो सेकेंड आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर।